अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज है हमारे पास 5.1, उसका हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम देखें तो हमारे पास है 2x² - 4x + 1। 2x² - 4x + 1, अगर आप देखें इसमें जो वेरिएबल है एक्स स्केयर, उसके साथ जो कोफिशियंट है वो है 2, जबकि इससे पहले वाली जितनी भी इक्वेशंस थी, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें कंप्लीटिंग स्केल मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। विल यहाँ राइट हेयर बाय कंप्लीटिंग स्केल मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्केल आपने इसको कंप्लीट करके सॉल्व करना है। तो आपने क्या, आपने देखा था हमेशा जो एक्स वेरिएबल है उसका एक्स स्केयर एक साइड पे रह जाता है, बाकी जो भी टर्म है वो अलग होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो 2 एक्स्ट्रा मौजूद है, ठीक है। सो ये जो चीज़ है, हम लोगों ने सबसे पहले इसको फिनिश करते हैं, ये जो कोफिशिएंट 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे मौजूद है, हम इसको डिवाइड कर देंगे ताकि ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाए। सो सिंपली वी विल डिवाइड बाय 2, पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय 2। हमारे पास क्या आ जाएगा, x² - 4/2 क्या आ जाएगा, 2x + 1/2 = 0। क्लियर, हमने क्या किया बच्चों, हमने डिवाइड किया है 2 से पूरी इक्वेशन को। नाउ यू कैन सी यहाँ पे अब हमारे पास x² बच गया और हम x² ही बनाना चाहते थे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो थर्ड टर्म है यानी जो कांस्टेंट है, इसको हमें दूसरी साइड पे लेके जाना होता है, शिफ्ट करना होता है। सो वी विल शिफ्ट इट, ये बन जाएगा x² - 2x = -1/2। नाउ इफ यू सी के ये बन गई वो वाली फॉर्म जो हम लोग बनाना चाहते हैं कंप्लीटिंग स्केयर के लिए। अब अगर आप देखें, आपने क्या करना होता है, ये जो सेकेंड टर्म है एक्स वाली वेरिएबल की जो कोफिशियंट है, इसका आपने हाफ लेना होता है, यानी ये क्या है 2/2। तो 2/2 करेंगे क्या आंसर आएगा, 1। इसका हाफ लेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसका स्केयर लेंगे तो 1 का स्केयर भी 1 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये रफ वर्क ही है, तो हम कहेंगे एडिंग द स्केयर ऑफ 1 यानी 1 होल स्केयर ऑन बोथ साइड्स। सिंपली वी विल राइट x² - 2x + 1 का स्केयर ऐड कर देंगे इस साइड पे भी, और -1 + 1 का स्केयर। तरीकाकार क्या होता है, जो मिड टर्म होती है सेकंड टर्म, इसका आपने डिवाइड करना होता है 2 से, यानी हाफ लेना होता है, और जो आंसर आता है उसका स्केयर दोनों तरफ पे ऐड करना होता है। अब अगर आप इस साइड पे देखें तो ये आपके पास a-b होल स्केयर का फॉर्मूला है, यानी x-1 होल स्केयर का फॉर्मूला बन रहा है। इस साइड पे अगर हम देखें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, तो ये आ जाएगा -1 + 2 - 1/2 + 1। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -1 + 2/2, सिंपली 2 - 1 = 1, ये आ जाएगा 1/2, एंड यहाँ पे आ जाएगा x-1 होल स्केयर, यहाँ भी आ जाएगा x-1 होल स्केयर। नाउ इफ यू सी, हम चाहते हैं हम के किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, x की। तो अब क्या हो जाएगा, हम लोग उसके रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी विल गेट अंडर रूट x-1, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी कैंसिल्ड विद दिस, और इस साइड पे आ जाएगा अंडर रूट 1/2। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने अंडर रूट लिया या स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट ले। अब हमने क्या करना है, x-1 आ गई हमारे पास +-√1/2, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब आप क्या करोगे, +-1/2√+1, यानी -1 इस साइड पे था तो इधर आके वो +1 हो जाएगा, या सिंपली प्लस आप इसको यूं भी लिख सकते हो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1/2।
क्लियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज आवर आंसर। सो ये इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सिंपल मेथड है, जैसे आप लोगों ने पहले भी किया, सिर्फ जो सेकंड टर्म है उसका हाफ लेके उसको दोनों साइड्स पे ऐड करना है। सो आप उसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते जाओगे, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा।